सो हाय एवरीवन, एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एरो को आप इस तरह कैसे एडिट कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहना, प्रमोशन वाला कोड आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप भी अपने वीडियो का लिंक कर मेरे डिस्क्रिप्शन में डलवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करना होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा, साथ ही एक प्यारा सा एक कमेंट करना होगा। नेक्स्ट विनर आप भी हो सकते हो गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है नंदलाल और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यूट्यूब से रिलेटेड यूजफुल वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। सो गाइस, अगर अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मेरा यूजर नेम है नंदलाल कुमार 19। यह लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन में आएंगे। इसे आप ओपन करेंगे, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार इंटरफेस मिलता है। यहाँ पे आप इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। इसके बाद गाइस आप यहाँ इस पर क्लिक कीजिएगा। तीसरे नंबर पे यहाँ पे सेव को ले लीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ब्लैक वाले नीचे वाले में इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप इस वाले ऑप्शन को ले लीजिएगा। इसको लेने के बाद गाइस यहाँ पे इसका कलर को हम रेड कर लेते हैं। ओके करेंगे। इसके बाद हम कुछ इस प्रकार कर लिए। इसके बाद हम दोबारा सेव पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर उसी को हम ले लेते हैं। इसके बाद इसका कलर को हम ब्लैक दे देंगे। ओके करेंगे। कुछ इस प्रकार गाइज आप कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सिंपल से सिर्फ बता रहे हैं, आप थोड़ा मेहनत करके आप अच्छा से बना सकते हैं। यहाँ पे हम इस वाले एरो को ले लेते हैं। इसके बाद इसका साइज को हम बड़ा कर लेते हैं। इसको हम जूम करके एक ऐसा कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम कलर को हम रेड कर देते हैं। कुछ इस प्रकार का ही आप कर लीजिएगा। इसे थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन पे ट्रांसपेरेंट में आएंगे। इसके बाद यहाँ पे ये मेरा हो गया। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। PNG मेरा ऑलरेडी है। इसके बाद यहाँ पे हम सेव कर दिए, मेरे गैलरी में चला गया। इसके बाद गाइस यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे आके हम उस वाले जो भी हम क्रिएट किए उसको हम यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार आया। इसके बाद गाइस
इसको मैनुअल करेंगे। ब्लैक कर देंगे ये हमारा। इसको क्लियर कर देते हैं कुछ इस प्रकार गाइस। आप कहीं भी इस इमेज को आप यूज कर सकते हैं। भाई आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला था। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमें बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक में वीडियो बना सकूँ या आपको रिप्लाई दे सकूँ। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।